हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तिल बाजरे की टिक्की की रेसिपी। ये देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं और हेल्दी भी होती हैं। ये देखिए कितनी करारी करारी बनी है, एकदम खस्ते सी। खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं ये। सर्दियों के मौसम में बहुत खाई जाती हैं क्योंकि बाजरा बहुत गर्म होता है और हेल्दी भी। ये देखिए अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। इसको हम 1 महीने तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं तिल बाजरे की टिक्की की रेसिपी। ये मैंने 1 कटोरी बाजरे का आटा लिया है, 1/2 कटोरी चीनी, 1/4 कप कसा हुआ गोला, 2 बड़े चम्मच ऑयल। ये मैंने थोड़ी सी सूजी भिगो के रख ली थी 5 मिनट। ये मैंने 4 चम्मच तिल लिए हैं। ये मैंने 2 इलायची का पाउडर बना लिया है चीनी के साथ। आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसमें, जो भी आपको पसंद हो। ये देखिए मैं 1 कटोरी बाजरे का आटा डाल रही हूँ इसमें। ये 1/2 कटोरी चीनी, ये मैंने 4 चम्मच तेल लिए हैं। ये मैंने कसा हुआ गोला लिया है 1/4 कप। ये मैंने इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। ये 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है, ये डाल दूंगी मैं इसमें। देखिए ये मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ भीगी हुई। ये मैंने 1 मुट्ठी करीब ली थी, इससे थोड़ी करारी करारी बनती हैं। मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। देखिए मैं इसे अच्छे से मिलाना है। ये मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, मैं इसमें पानी का यूज़ नहीं करूँगी। दूध डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए मैं अच्छे से मिला लूँगी इसको। इसका डो हमें ना ज़्यादा हार्ड करना ना ज़्यादा सॉफ्ट करना है। आटे को मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए रख दूँगी रेस्ट के लिए, जिससे ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। आटा 5 मिनट रखने के बाद थोड़ा ठीक हो गया है। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लूँगी। देखिए ऐसी सारी लोइयाँ तोड़ लेंगे। देखिए अब मैं इसको गोल गोल ऐसे बना लूँगी टिक्की की तरह, हल्का सा दबा देंगे ऐसे। देखिए ऐसी सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेंगे हम। सारी टिक्कियाँ बन के रेडी हैं, अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है, अब मैं इसे एक एक करके इसमें डालूँगी। हमें फ्लेम लो ही रखनी है, इससे ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं, कच्ची ना रहें। देखिए मैं इनको पलट रही हूँ ऐसे ही, आपको पलट के पलट पलट के सेकना है इनको। देखिए हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है।
अभी इसको हम अच्छे से और पकाएंगे। देखिए ये सिक चुकी है, मैं इन्हें बाहर निकाल रही हूँ। ऐसे ही सारी टिक्कियाँ सेक के तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारी टिक्कियाँ बनके रेडी हैं, कितनी अच्छी लग रही है, एकदम खस्ते की तरह बनी है। देखिए मैं इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए अंदर तक कितनी पक गई है अच्छे से, एकदम करारी करारी, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।